अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिन भाइयों ने बचपन से सुना हुआ है कि रेगिस्तानी जहाज होते हैं और देखे नहीं, आज मैं आपको दिखाता चलूँ कि रेगिस्तानी जहाज, ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं इनके ऊपर। और ये कहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है रेगिस्तानी जहाज़ों का। रेगिस्तान में बहुत बड़ी मंडी लगती है। ये पंजाब का इलाका है, ये ज़िला लहिया का इलाका है, तहसील चुबारा है। और इधर इतनी बड़ी मंडी लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते, पूरा एक महीना इधर मेला लगता है ऊँटों का। और इतना मज़ा आता है कि हर इलाके से ऊँट यहाँ पर आते हैं। ये देखें बच्चे और बड़े बड़े ऊँट और छोटे ऊँट, ऊँटनियाँ सब इधर ले कर आते हैं। इधर दौड़ होती है ऊँटों की, ऊपर बैठ के लोग इनको दौड़ाते हैं, फिर मुकाबले होते हैं, इनाम मिलते हैं, इनकी कुश्तियाँ होती हैं, उसके साथ साथ ऊँटों का डांस होता है। ऊँटों की मंडी के मनाजर इतने खूबसूरत होते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग देखने भी आते हैं। और जिन लोगों ने इधर खरीदो फरोख्त करनी होती है वो भी आते हैं। बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं। ये जगह कौन सी है, ये तहसील चुबारा का एक वीरान सा इलाका हुआ करता था, जहाँ पर एक बाबा जी का मज़ार शरीफ है, बहुत मशहूर मज़ार है, बहुत पुराना मज़ार है। ऊँटनियाँ होती थी वो दूध नहीं देती थी, और दूध नहीं देती थी तो वो बहुत परेशान होते थे। उन्होंने एक दिन बाबा जी से बोला कि ये ऊँटियाँ दूध नहीं देती, तो उन्होंने दुआ फरमाई और उसके बाद ऊँटियाँ दूध देने लगी। लाखों से भी ज़्यादा तादाद होती है लोगों की जो दूसरे इलाकों से आते हैं, अपने ऊँट ले के आते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है, लक्की रानी सर्कस होती है, और मर्दों की कुश्तियाँ होती हैं। कुश्तियों का एक लहदा सेटअप बना होता है, उधर मैदान होता है कुश्तियों का लहदा। मेले में हर चीज़ मौजूद होती है, डांस होता है। ये देखें कितना प्यारा डांस हो रहा है। और इधर जो एक नंबर पर आता है ऊँट, उनको बहुत इनाम मिलता है। रोज़ाना मुकाबले होते हैं, जब मेले का आखिर वाला दिन होता है उस दिन इनके ऊपर बैठकर इनको दौड़ाते हैं। बहुत मज़ेदार सीन बनता है। ये देखें अभी तो इनको ऐसे दौड़ा रहे हैं ना, अभी इनके ऊपर भी बैठ कर इन्होंने दौड़ाना है। और फिर जो जितनी जल्दी ये चक्कर पूरा करता है इसका टाइम नोट करते हैं। और जो ये बिल्कुल साइडों पे लोग बैठे हुए हैं इनको देखने वाले, इनकी जजमेंट करने वाले, जो इनका फ़ैसला करते हैं कि ये अच्छा इसने डांस किया है, इसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसको इनाम मिलता है। और ये टाइम नोट करके इनको दौड़ाते हैं। जो एक चक्कर जल्दी जल्दी पूरा कर लेता है तो उसको पहले इनाम मिल जाता है, एक नंबर पर आ जाता है वो। ये देखें बहुत सजाए हुए होते हैं, इनकी बहुत प्यारी कटिंग की हुई होती है। लोग सिंध से, बलूचिस्तान से, दूर दराज इलाकों से लेकर इधर आते हैं। ये देखें ऊँटनियाँ, ऊँट इधर जिन्होंने बच्चे लेने होते हैं, बच्चे सेल करने होते हैं ऊँटों के, वो भी होते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर होता है जी, एक बार इधर ज़रूर चक्कर लगाएं अगर आपने देखना है, आप ये शौक रखते हैं ऊँट देखने का, तो इधर ज़रूर आएँ। ये देखें ये छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ये देखें कितना प्यारा माहौल है। और इधर इतना रश होता है, इतने ज़्यादा लोग होते हैं, सराइकी लोग ज़्यादा आते हैं, बहुत मज़ा। ये देखें जी इस तरह फिर ये लोग खुशियाँ मनाते हैं जनाब। ये ढोल बाजे बजते रहते हैं साथ साथ, और साथ में ये दौड़ाते रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये गैदरिंग बन जाती है लोगों की, तो बहुत मज़ा आता है जी। आप भी ज़रूर आएँ इधर।
जी दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत शुक्रिया।